हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर ए ट्रिक चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप से अर्चिव्ड कैसे हटाएं, हाउ टू रिमूव अर्चिव्ड फ्रॉम व्हाट्सएप। गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं यहां पर व्हाट्सएप को ओपन किया हूं, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहां पर देख सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पर यहाँ पर अर्चिव्ड का ऑप्शन है। तो कुछ इसी प्रकार से अगर आपके भी व्हाट्सएप पर ये अर्चिव्ड का ऑप्शन है तो आप उसे हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और गाइस, अगर आपने अभी तक आर ए ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो व्हाट्सएप से अर्चिव्ड हटाने के लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को ओपन करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को ओपन कर चुका हूँ, और व्हाट्सएप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको राइट हैंड साइड में एक थ्री लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको इस थ्री लाइन पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे उसके बाद गाइस, यहाँ पर सबसे नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का, यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है, और सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने बहुत सारा सेटिंग आएगा। तो गाइस, यहाँ पर आपको चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि अकाउंट से नीचे ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपको सिंपल सा इस चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम चैट पर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर से हमारे सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से नीचे आना है, और नीचे आने के बाद गाइस, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कीप चैट अर्चिव्ड, यहाँ पर देख सकते हैं, और उसके साइड में ये ऑन होगा। तो इस पर क्लिक करके आपको इसे ऑफ़ करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसे ऑफ़ कर दिया हूँ, और ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके आपको बैक करना है। ओके गाइज, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे व्हाट्सएप पर यहाँ पर फर्स्ट में अर्चिव्ड का ऑप्शन आ रहा था, वो अब हट चुका है, यहाँ पर नीचे में आ चुका है। तो आप यहाँ से भी इसे हटाना चाहते हैं, अर्चिव्ड का ऑप्शन हटाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके अर्चिव्ड में जितना सारा कॉन्टैक्ट है सभी पर आप लॉन्ग प्रेस करके रखिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर दिया हूँ, एंड लॉन्ग प्रेस करने के बाद उसके बाद यहाँ पर तीनों कॉन्टैक्ट पर यहाँ पर ब्लू टिक लग चुका है, एंड उसके बाद यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। तो अब आपको यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे व्हाट्सएप से अर्चिव्ड का ऑप्शन हट चुका है। अब यहाँ पर मैं बैक करके भी दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे व्हाट्सएप से अर्चिव्ड का ऑप्शन हट चुका है। तो इस तरीके से आप भी अपने व्हाट्सएप से अर्चिव्ड ऑप्शन हटा सकते हैं, अर्चिव्ड ऑप्शन रिमूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिए, और गाइज, अगर आपने अभी तक आर ए ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एक नई वीडियो मिलते हैं नए ट्रिक के साथ, जब तक के लिए बाय।